से सुंदर टेबल क्लॉथ का डिजाइन बनाने शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको सेंटर मान लेते हैं और यहाँ से इधर ऊपर की ओर 2 इंच और नीचे की ओर 2 इंच ले करके हमें लाइन खींचना है। फिर यहाँ से भी उसी तरह से इधर की ओर 2 इंच लेना है हमें और इधर से भी 2 इंच लेना है हमें। यहाँ पे भी उसी टाइप से लेना है, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। यहाँ पे भी 2 इंच लेकर के निशान हमें लगा लेना है। फिर इसको इस निशान से मिला देना है। इस निशान को भी इससे मिला देना है। अब इसमें फ्रेम लगाना शुरू करते हैं। अब इसमें इस टाइप का फ्रेम आता है मार्केट में, इसे आप लगा सकते हैं। इसको नीचे रख की ओर से डालेंगे, इसे सेंटर डिसाइड कर लेते हैं। इस टाइप से फ्रेम रख के इसे फिर इसको टाइट कर लेना है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सेंटर से हमें एक धागा को निकालना है और इसमें हमें क्रॉस बनाना है। जो इस टाइप से क्रॉस बन जाएगा तो इसको बांध लेना है। यहाँ पे सारे को इकट्ठे करके इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा कि जो सारे जो धागे हैं वो बंध जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होता है। फिर इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसको हर एक धागे से इस टाइप से सुई को निकालना है। हर एक धागे से सुई को इस टाइप से निकालते हुए बनाना है। हमने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया। इसी टाइप से 8-10 सर्कल बनाना है हमें इस धागे का, सभी के नीचे से निकालते हुए। और इस बात का ध्यान रखें कि धागा जो है, ये जो धागा है वो ज़्यादा टाइट नहीं हो। ज़्यादा टाइट होने से फूल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी टाइप से सिंपल हमें सभी से इस धागे को निकालना है बारी बारी से।
इस टाइप से 8-10 सर्कल आप बना लीजिए, जिससे कि इतना बड़ा एक एक गोला बन जाएगा। उसके बाद इस गोले को बांधना है, तो ये धागे को इस धागे के इधर में रखिए और इस धागा का इधर साइड से इसको सुई को निकालिए और इसको इस टाइप से बांध दीजिए। इसी तरह से हर एक कॉर्नर वाले जो धागा है उसको हमें बांधना है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि धागा का विपरीत दिशा में यहाँ पे सुई को नीचे की ओर निकालना है। इससे क्या होगा कि धागा अच्छी तरह से ये बंध जाएगा धागा से। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सारा धागा बंध गया है। तो अब इसके आगे फूल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से इसको सुई को निकालेंगे और यहीं पे एक छोटा सा कपड़ा लेकर के एक डॉट बनाना है, एक नॉट बनाना है। फिर इस धागे के दोनों तरफ से इसी टाइप से सुई निकालते हुए यहाँ पे भी छोटा सर्कल बनाना है। इस धागे को 4 से 5 बार इस टाइप से नॉट बनाइएगा तो एक छोटा सर्कल बन जाएगा। छोटा सर्कल बनने के बाद फिर उसी तरह से धागे इस जो धागा है इस धागे का विपरीत साइड में ये धागा है, उसके बाद यहाँ से इसको अंदर की ओर दबा करके इसे भी बांध लेना है। उसी टाइप से इधर से भी इसको बांध लेना है। तो देखिए एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बन गया। तो इसी तरह से इसमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे भी छोटा सा एक डॉट लगाएंगे और इसको इसके दोनों तरफ से धागे लेते हुए हमें फ्लावर बनाना है। चार से पांच बार में ये फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको इसी टाइप से बांधना है। देखिए मेरा 2 बेहतरीन सुंदर सुंदर फूल बन गया है। लेकिन ये जो कॉर्नर का भाग रहता है उसमें हमें 2 फ्लावर बनाना है। ये जो भाग है ये छोटा होता है तो इसमें 1 फ्लावर बनाना है और ये लंबा होता है तो इसमें हमें 2 फ्लावर बनाना है। तो यहाँ भी 2 बनेगा, यहाँ भी 2, इधर भी 2। तो यहाँ पे हमें 2 फ्लावर बनाना है छोटा छोटा। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे फ्लावर को बनाएंगे। चार से पांच बार में ये कंप्लीट हो जाता है, एक फ्लावर बन जाता है। बस इसी टाइप से फ्लावर बना के तैयार कर लेना है। फिर इसको हमें बांधना है यहाँ से। फिर ऊपर से भी हमें इसी टाइप से बांध लेना है इसको। तो फिर यहाँ पे भी इसी तरह से अब सारे भाग में हमें फ्लावर बना लेना है।
इसी टाइप का आपको बनाना है, और ये जो फ्लावर जो कंप्लीट बना हुआ है इसी टाइप का फ्लावर हर एक बॉक्स में बनाना है। A few moments later. तो देख सकते हैं जैसे कि ये बनके तैयार हो गया है। इसको टेबल पे बिछाने के बाद से सुंदर लग रहा है देखने। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।